पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और मुरादाबाद जनपद के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह दो दिन के मुरादाबाद दौरे पर हैं। इस दौरान प्रभारी मंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। किसी भी अधिकारी की गलती नजर आते ही फटकार लगना तय है। अभी प्रभारी मंत्री मुरादाबाद में हैं तो अधिकारियों की सांसें भी अटकी रही। मुरादाबाद पहुंचते ही प्रभारी मंत्री ने जनता के बीच जाकर चौपाल लगाई तो वहीं आज निर्यातकों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं जानी। इस दौरान निर्यातकों ने अपनी समस्याएं रखी तो वहीं अधिकारियों को भी निर्देश दिए। इस दौरान निर्यातकों ने R2 जोन का मुद्दा प्रभारी मंत्री के सामने रखा और R2 जोन में लगी फैक्ट्रियों को प्रदूषण नियंत्रण जोन घोषित करने की मांग की गई। वहीं निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य को लेकर बात की, लेकिन निर्यातकों ने मुरादाबाद में उद्योग क्षेत्र नहीं होने पर आने वाली दिक्कतों से अवगत कराया। निर्यातकों ने मांग करते हुए कहा कि जनपद में एक औद्योगिक क्षेत्र दिया जाए जिसके बाद निर्यातक और आर्टिजन मिले जुले रूप में अपनी इंडस्ट्री लगा सके और जनपद को रोजगार दे सके। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कंटेनर और MDA ग्रांट को दोगुनी करने की मांग की गई। इंटरेस्ट इक्विलेशन स्कीम के तहत केंद्र सरकार के द्वारा निर्यात ऋण पर मिलने वाली सब्सिडी को 3% के बजाय 5% किए जाने की मांग की गई। हमारे माननीय धर्मपाल सिंह जी निर्यातकों के साथ इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जिसमें उन्होंने निर्यातकों की समस्याओं पर हम लोगों से बात की। हम लोगों ने उनके समक्ष अपने कुछ मुद्दे रखे, जैसे कि R2 जोन का मुद्दा बहुत समय से चल रहा है। R2 जोन में लगी हुई फैक्ट्रियों को प्रदूषण नियंत्रित घोषित किया जाए, ऐसी हमारी शासन से मांग। दूसरे नंबर पर मुरादाबाद में कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। हमने उनसे कहा कि मुरादाबाद को एक औद्योगिक क्षेत्र दिया जाए जिसमें निर्यातक आर्टिजन्स मिले जुले रूप में अपनी इंडस्ट्री लगा सकें और काम को निर्विरोध रूप से आगे बढ़ा सकें। तीसरा, कंटेनर और MDA ग्रांट जो निर्यातकों को उत्तर प्रदेश शासन से दी जाती है उसको तुरंत प्रभाव से दोगुना किया जाए, क्योंकि हर चीज़ पर महंगाई है। इंटरेस्ट इक्वलेशन स्कीम के रूप में केंद्र सरकार द्वारा निर्यात ऋण पर व्यापारियों को, निर्यातकों को 3% की दर से सब्सिडी दी जाती है जो पहले 5% थी। ऋण की दरें बढ़ चुकी हैं, इसलिए अब हमारी मांग है कि उस सब्सिडी को 3 की जगह 6% किया जाए। मुरादाबाद में एयरपोर्ट का निर्माण तुरंत किया जाए जिससे कि निर्यातकों को आने जाने में हर प्रकार से सुविधा हो। इस प्रकार की मांगें हमने मंत्री जी के सामने रखी हैं और उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि वो हमारी सभी समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखकर हल कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।